ब्यूरो नियुक्त करना है। लोकप्रिय समाचार चैनल दोपहर न्यूज के लिए उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, सागर, दतिया, रतलाम, बैतूल, गुना, कटनी, जबलपुर, दुर्ग, देवास, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, शिवनी, रीवा, छतरपुर, रायपुर आदि सहित अन्य सभी जिले, शहर और कस्बों में ब्यूरो प्रमुख, विशेष संवाददाता और विज्ञापन प्रतिनिधि की नियुक्ति की जानी है। इच्छुक और अनुभवी व्यक्ति संपर्क करें। संपर्क न्यूज एडिटर राजेश पिपलोदिया, मोबाइल नंबर 8893000073। नमस्कार, मैं हूं वैशाली व्यास और आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की अहम खबरों के साथ। इंदौर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिली एक और नई सौगात। सीएम से 2016 में लगने वाले एस्केलेटर का 2 वर्ष बाद हुआ शुभारंभ। एस्केलेटर के साथ लाइन और प्लेटफॉर्म शेड का भी लोकसभा स्पीकर ने किया लोकार्पण। एस्केलेटर के शुरू हो जाने से बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को मिलेगा सर्वाधिक लाभ। सड़क पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ जारी है निगम की धरपकड़ मुहिम। चलते वाहन से सड़क पर थूकने वाले 800 से अधिक वाहन चालकों पर किया स्पॉट फाइन। जुर्माना वसूल करने के साथ ही दी जा रही है सख्त हिदायत। शुक्रवार को पूरे प्रदेश भर के शासकीय स्कूलों में हुआ मिलबांचे कार्यक्रम। कलेक्टर, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने बच्चों को दिया शिक्षा दान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सीहोर के नरसिंहपुर क्षेत्र से बच्चों को किया संबोधित। कलेक्टर ने कहा, बच्चे आने वाले समय में हैं देश का भविष्य। इंदौर में पुष्प विहार कॉलोनी के रहवासियों ने किया प्रदर्शन। अपनी जमीन के लिए लंबे समय से लड़ रहे हैं लड़ाई। मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा में दिखाएंगे काले झंडे। मांगे पूरी नहीं हुई तो करेंगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। इंदौर की चैत्रा मंडी में फिर हुआ हंगामा। अवैध कब्जाधारी बन रहे थे मंडी प्रशासन के लिए सरदर्द। शुक्रवार दोपहर मंडी प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई। कब्जा हटाने के दौरान प्रशासनिक अधिकारी और कब्जेधारियों के बीच हुई जमकर नोकझोंक। सीएस 2016 में लगने वाले एस्केलेटर का शुभारंभ शुक्रवार को सांसद एवं लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन द्वारा किया गया। इसी के साथ प्लेटफॉर्म के नए शेड और पीट लाइन का भी लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर सांसद महाजन ने नए एस्केलेटर का उपयोग स्वयं किया और सलाह दी कि इसका उपयोग मेरे जैसे बुजुर्ग करें और युवा सीढ़ियों का उपयोग करें। रेलवे के मामले में इंदौर सतत प्रगति पर है और वो आवश्यक भी है, क्योंकि हम इन्हें इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंदौर शहर को अगर बढ़ना है, चाहे औद्योगिक दृष्टि से चाहे एजुकेशन की दृष्टि से, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा आवश्यक है। और इस दृष्टि से रेलवे हो या हवाई सेवा हो या रोड हो, इन तीनों पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अभी तक यहाँ से बहुत सारी रेलवे तो हमने शुरू कर दी। महू को इसके लिए हमने ये भी किया कि महू स्टेशन को बड़ा करेंगे। महू स्टेशन पे मेंटेनेंस का काम भी, अभी 2 पीट लाइन वहाँ भी बन रही है, ताकि कुछ गाड़ियाँ महू से भी शुरू हो सके। गाड़ियाँ केवल बढ़ाने से नहीं चलता, उसके साथ साथ सुविधाएं भी होना पड़ेगी। ये सुविधाओं में सबसे प्रायोरिटी जो बात है कि गाड़ी का मेंटेनेंस। नई गाड़ी तो शुरू हो गई, मगर गाड़ी का मेंटेनेंस, गाड़ी की धुलाई, ब्रेक देखना, जो भी चीज़ें हैं, और इस सबके लिए पिट लाइन आवश्यक होती है। ये पिट लाइन में एक गाड़ी की पूरी तरीके का मेंटेनेंस करने में 6-7 घंटे लगते हैं। अभी इंदौर में हमने जैसे गाड़ियाँ बढ़ाना शुरू की तो एक बात ध्यान में आई, क्योंकि एक पिट लाइन है वो 6-7 कोच की पुरानी है और बाकी और 4 थी, तो पिट लाइन की आवश्यकता भी थी कि जब तक वो नहीं बढ़ेगी गाड़ियों का मेंटेनेंस नहीं होगा। वहीं पिछले दिनों रेल मंत्री पीयूष गोयल के आयोजन के दौरान ताई ने भावुक होते हुए रेल परियोजना के पूर्ण नहीं होने पर रेलवे अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की थी
और कहा था कि मेरे जीते जी रेल परियोजनाओं को रेल अधिकारी पूरा कर दे। लेकिन इसके 4 माह बाद ही सांसद सुमित्रा महाजन ने सभी को ये कहकर चौंका दिया कि रेलवे में अब वर्क कल्चर डेवलप हो गया है। आप लोग ये बात मान के चलिए कि इंदौर जो है रतलाम मंडल भर के लिए नहीं, आपके मध्य प्रदेश के लिए और इवन भारत के लिए कहना चाहिए, एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन हमारा शहर है। यहाँ पर तो जितनी भी सुविधा की जाती है, मुझे हमेशा ही मैं कुछ हम लोग कुछ बनाते हैं, अगले बार आते हैं फिर कम नज़र आने लगती है। मैं तो यहाँ पर जो है 1 साल से हूँ, मैं 1 साल भी देख रहा हूँ कि जितना भी डेवलपमेंट किया गया है, पहले हमें लगता था कि शायद इसका उपयोग नहीं होगा, लेकिन अभी देखते हैं तो वो सारी सुविधा कम होने लगती है। तो प्रयास पार्टनर ये है कि हम लोग यहाँ की जो सुविधा अगर हम नहीं बना पा रहे हैं, वो 4 प्लेटफॉर्म हमारे पास हैं। 4 प्लेटफॉर्म होने की वजह से अब आवश्यकता इस बात की हो गई है कि हमें एडिशनल प्लेटफॉर्म रहें, हमारे पास एडिशनल पार्किंग लाइनें रहें जिसमें गाड़ियों को रख सकें। इसलिए महू जो स्टेशन है, महू में हमने डेवलपमेंट करने का प्लान किया है। इस दौरान महाजन ने कहा कि इंदौर मनमाड़ और इंदौर खंडवा सहित अन्य रेल परियोजना जल्द पूरी होगी। और नगर निगम अमला शहर में गंदगी फैलाने वालों की अब धरपकड़ कर रहा है। इसी के चलते अभी 800 से ज्यादा सड़कों पर थूकने वालों, 223 कचरा फेंकने वालों और लीटर बीन में घरों का कचरा डंप करने वालों पर आर्थिक जुर्माना करते हुए उन्हें सख्त हिदायतें दी जा रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की सुगबुगाहट और तैयारियों के बीच देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के शख्स अभी भी ऐसे हैं जो इंदौर को गंदा करने में पीछे नहीं हटते हैं। इंदौर नगर निगम ने करोड़ों रुपए खर्च करते हुए इंदौर शहरवासियों के लिए लगभग सभी सुविधाएं जुटा तो दी है, लेकिन शहर के इनमें से कुछ ऐसे ही लापरवाह लोग निगम अमले की परेशानियां बढ़ाने में पीछे नहीं रहते हैं। दरअसल निगम अमला शहर में लगातार ऐसे लोगों को पकड़ रहा है जो कि गंदगी करने में पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन हैरत तो इस बात की है कि इस कार्रवाई के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसे देखकर तमाम जागरूकता अभियान, निगम का बेतहाशा खर्च और आम जनता की सफाई के प्रति उत्साह धड़ाम हो जाता है, क्योंकि निगम की टीम रोजाना सड़कों सहित पब्लिक इलाकों में 200 से ज्यादा थूकने वालों को पकड़ रही है। यही नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था होने के बावजूद भी कहीं भी कचरा फेंक रहे हैं। ये निगम आयुक्त जो महोदय हैं अपने आशीष सिंह सर, उनके आदेश के अनुसार जो है चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। खुले में थूकने पर, कचरा डालने पर, सब पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। अभी एक व्यक्ति को हमारे कर्मचारियों ने पकड़ा था कचरा डालते हुए लीटरबिन में, उस पर न्यूनतम कार्रवाई की गई है, चालानी कार्रवाई, ताकि आगे लोगों में संदेश जाए, लोग खुले में कचरा ना फैलाएं और गाड़ियों का। देखिए क्या दिक्कतें आ रही हैं उस पर डिपेंड करेगा। स्पॉट फाइन्स भी इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम लोगों ने सारी व्यवस्था दे दी है, और अभी प्लास्टिक पे भी हमने बैन किया है, थूकने पे बैन किया है, यूरिनेशन पे और गंदगी फैलाने पे ऑलरेडी बैन है। तो इस तरह के अलग अलग इतने सारे एक्टिविटीज़ हैं जिस पे स्पॉट फाइन किए जा सकते हैं, और स्पॉट फाइन्स ऐसा भी नहीं है कि व्यवस्था पूरी तरह 100% है तो स्पॉट फाइन नहीं हो रहे हैं, स्पॉट फाइन हो भी रहे हैं। तो क्या समस्या है उस आधार पर मैं इनसे बात करूँगा और उससे आयुक्त महोदय को भी तत्काल अवगत कराऊँगा, और जो भी निर्णय होगा वो, क्योंकि हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं तो उसमें सबके हिसाब से ही निर्णय होगा। हमें, हमारा मकसद ये है कि इंदौर नगर निगम में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो नंबर 1 पे बनी रहे। इस तरह से आम जनता की ही लापरवाहियों के चलते क्या इंदौर तीसरी दफा नंबर 1 का खिताब हासिल कर पाएगा या नहीं, ये काफी दुखद होगा, क्योंकि जब 2 बार हम बाजी मार सकते हैं तो फिर तीसरी बार क्यों नहीं। शुक्रवार को शासकीय स्कूल में मिल बांटे कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संभागायुक्त राघवेंद्र सिंह, कलेक्टर, महापौर सहित कई जनप्रतिनिधि सहित अधिकारियों ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लाइव टेलीकास्ट भी स्कूली बच्चों को दिखाया गया। मिल बांटे कार्यक्रम के तहत इंदौर में अधिकारी जनप्रतिनिधि द्वारा शासकीय स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाया गया। कलेक्टर निशांत परवड़े और अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग शासकीय स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाया। इंदौर कलेक्टर निशांत परवड़े ने सुदामा नगर स्थित शासकीय अत्री देवी स्कूल में जाकर बच्चों को मार्गदर्शन दिया और बताया कि जीवन का सबसे अनमोल रत्न पढ़ाई है। यहाँ बच्चों को 2 कहानियां सुनाई जिसमें बच्चों को शिक्षा का महत्व बताया गया। कलेक्टर द्वारा पढ़ाए जाने से स्कूली छात्र भी काफी खुश हुए। छात्रों ने कहा कि कलेक्टर ने उन्हें कई टिप्स दिए हैं, पढ़ाई का बारीकी से महत्व बताया है जिससे हम काफी खुश हैं, और कलेक्टर द्वारा दिए गए टिप्स हम हमेशा याद रखेंगे और बड़े होकर अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान देंगे। क्या होता है, टीचर पकड़ते हैं ना आपको, पकड़ते कि नहीं पकड़ते? तो हमारे टीचर भी हमको पकड़ लेते, पकड़ के बोलते थे कि सब आपको स्कूल में नहीं आने देंगे।
तो हम लोग तांगे से जाया करते थे, तो हम लोग एक दिन लेट हो गए। हम लोग इस विद्यालय में आए हैं और मैंने पाँचवीं कक्षा के बच्चों के साथ में अपने जीवन की, स्वयं के जीवन की दो कहानियों को उनको शेयर किया। इंटेंशन ये था कि बच्चों के साथ में हम अपना टाइम स्पेंड करें और बच्चों को हमारे लाइफ में या ऐसी कुछ प्रसंग बताएं जिसमें कुछ सीखने को मिले, बच्चों में एक मोटिवेशन बने, बच्चों को हम उनके अंदर का जो टैलेंट है वो रियलाइज़ करवाने में कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करें। सबसे बड़ी चीज़ जो बच्चों का चीज़ जो होता है, उनका जो बचपन है, उस बचपन को हम रियलाइज़ करवाएं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। खेल भी उतना ज़रूरी है जितना पढ़ना। एक व्यक्तित्व के बहुआयामी विकास के लिए हम और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किताबों से कितना स्नेह रखना ज़रूरी होता है। इंदौर ज़िले में मिल माचे कार्यक्रम प्रत्येक प्राइमरी और मिडिल स्कूल में हो रहा है। 1702 स्कूल इंदौर ज़िले में है, जिसके लिए 4012 लोगों ने पंजीयन कराया है, जो आज विभिन्न समयों में स्कूल में पहुंचकर अपनी भागीदारी करेंगे। ये एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है, जिसके तहत लोग अपने जो अच्छे एक्सपीरियंस है उसको बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में शेयर करते हैं। इस प्रकार क्षेत्र क्रमांक 3 की विधायक उषा ठाकुर ने बख्शीबाग स्थित मराठी स्कूल में शिक्षा का पाठ पढ़ाया और अपने स्कूल के अनुभवों को साझा किया। इस मौके पर विधायक द्वारा बच्चों को पुस्तक भी वितरित करवाई गई। अभियान शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी चौहान की प्रेरणा से, और हम लोग वर्ष भर विधानसभा में स्थित विभिन्न स्कूलों में समय समय पर जाते रहते हैं, अभिभावकों से भी संपर्क करते हैं, और इसके पीछे मंशा यही है कि बच्चों को विद्यालय में सुख सुविधाएं ठीक प्रकार से मिले, उनकी पढ़ाई की निगरानी भी बेहतर तरीके से हो सके। वहीं विधायक महेंद्र हार्डिया अमर टेकरी स्थित शासकीय माध्यमिक स्कूल पहुंचे और वहां बच्चों को पढ़ाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बच्चे उपस्थित रहे। देखिए वार्ड नंबर 46 अमर टेकरी के अंदर एक प्राथमिक विद्यालय है। मैं हर वर्ष वहीं पे बच्चों के मिल बातचीत कार्यक्रम में जाता हूँ और आज मैंने वहाँ के बच्चों के लिए पुस्तकें भी ले आ रहा हूँ, उनको भेंट करने के लिए कॉपी भी ले आ रहा हूँ। मिल बाजे कार्यक्रम के तहत सभी स्कूल में जनप्रतिनिधियों द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया। पुष्प विहार कॉलोनी के रहवासी शुक्रवार को इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के विरोध में सड़क पर उतर आए। बड़ी संख्या में रहवासी प्रीतमलाल दुआ सभागृह पर एकत्रित हुए, यहां से रैली के रूप में कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और विरोध दर्ज करवाते हुए ज्ञापन सौंपा। रहवासियों का आरोप था कि सरकार प्रदेश भर में अवैध कॉलोनियों को वैध कर रही है, लेकिन काफी पुरानी पुष्प विहार कॉलोनी की ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। कॉलोनी को ना प्रशासन की ओर से ना ही नगर निगम की ओर से कोई सहयोग मिल रहा है। प्रीतमलाल दुआ सभागृह परिसर में सुबह करीब 10 बजे बड़ी संख्या में रहवासी पहुंचे। इन्होंने आईडीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रैली के रूप में कमिश्नर कार्यालय की ओर निकले। इन्होंने हाथों में तख्तियां ले रखी थी जिसमें लिखा था, आईडीए बंद करो अत्याचार, मुक्त करो अब पुष्प विहार, आईडीए तेरा खेल निराला, भूखंड धारियों को उलझा डाला, जनता कर रही यही पुकार, मुक्त करो अब पुष्प विहार को मुक्त कीजिए, हमारा साथ सहर्ष लीजिए, कुछ ऐसे ही स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर रहवासी चले। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होके कमिश्नर साहब को ज्ञापन, अंतिम ज्ञापन देने जाने वाले हैं मुख्यमंत्री जी के नाम से, क्योंकि मुख्यमंत्री से हम दो बार मिल चुके हैं, दो बार मिले हैं, उसमें उन्होंने आश्वासन दोनों बार दिया, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई अभी तक। इससे करीब 1150 प्लॉट हैं इसमें, जिसके एक परिवार में अगर अपन 5 आदमी मानते हैं तो 5,500 आदमी प्रभावित होता है, लेकिन हमसे संबंधित जितने भी रिश्तेदार हैं, हम लोग के परिवार वाले हैं, करीब 10,000-15,000 लोग हैं जिससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन शिवराज जी सरकार हमको सुनने के तैयार नहीं है। दो बार मिल चुके हैं हम लोग पूरी समिति आगे सुनने के तैयार नहीं है। अगर हम लोग अगर नहीं माने तो हम 10 तारीख से क्रमिक बोर्ड हड़ताल के लिए आगे जाने वाले हैं, जिसकी जवाबदारी पूरी आदरणीय शिवराज जी के ऊपर होगी। रहवासियों ने कहा कि मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा में पुष्प विहार रहवासियों द्वारा काले झंडे दिखाए जाएंगे और लंबे समय से न्याय के लिए लड़ रहे रहवासियों द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पुष्प विहार कॉलोनी के रहवासियों ने बताया कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जाएगी। अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ चोइथराम मंडी प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। अवैध कब्जों और अतिक्रमण की शिकायत लंबे समय से किसानों द्वारा मंडी प्रशासन से की जा रही थी। किसानों का आरोप था कि व्यापारियों ने अवैध कब्जे कर लिए, कुछ कहो तो मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। इसके बाद मंडी प्रशासन गंभीर हुआ और अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई सुबह से शुरू की।
व्यापारियों द्वारा मंडी के अंदर सड़क पर माल की गाड़ियां खड़ी करके व्यापार कर मार्ग अवरुद्ध किया जा रहा था, जिन्हें मंडी प्रशासन ने आखिरी चेतावनी देकर हटाने को कहा। कार्रवाई के दौरान मंडी के सुरक्षा कर्मियों के साथ ही पुलिस कर्मियों की मौजूदगी भी थी। मंडी के सुरक्षा कर्मियों ने अवैध कब्जे की नियत से शेड में रखे खाली कैरेट व लोहे के ड्रमों को शेड से बाहर फेंक दिया। इस दौरान कुछ व्यापारियों ने इसका विरोध भी किया और काफी देर तक हंगामा होने के बाद बात गाली गलौच व मारपीट तक आ गई। शेड से कब्जे हटाने से नाराज व्यापारियों ने सुरक्षा कर्मियों व मंडी प्रशासन के अधिकारियों से अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी तक दे डाली। किसी तरह बात संभालते हुए मंडी प्रभारी पर्वत सिंह सिसोदिया ने मामला शांत करवाया। व्यापारियों का आरोप है कि हमारे माल रखने का शेड मंडी प्रशासन ने हटा दिया। पिछले 3 माह से लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम पिछले 35 साल से व्यापार कर रहे हैं, हमें माल रखने के लिए कहीं तो जगह चाहिए। कार्रवाई की जानकारी देते हुए मंडी सचिव सतीश पटेल ने कहा कि कई दिन से शिकायत मिल रही थी। कई बार व्यापारियों को कब्जे हटाने के लिए कहा भी, लेकिन नहीं सुन रहे थे, इस कारण कार्रवाई करना पड़ी। वहाँ पे माल नहीं उतर पा रहा था, कई व्यापारी वर्ग भी परेशान था कि साहब हमारी गाड़ी नहीं निकल पाती, हम गाड़ी खड़ी नहीं करा पाते। तो हम लोगों ने पूरी मंडी को व्यवस्थित करने की एक प्रतिज्ञा करी है कि इस मंडी को जो है हम पूरी तरह से व्यवस्थित कर लें। उसके लिए जहाँ बेतरतीब गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको हटवाए हमने, जो अवैध कब्जे हैं उनको हटवा रहे हैं, जो कैरेट लोगों ने शेड में रख दी हैं वो शेड से कैरेट हटवा रहे हैं ताकि वहाँ पे माल लग सके। जो लोग गाड़ी खड़ी करके और वहीं माल बेचते हैं उनको बोला है, उनसे गाड़ी हटवाई है कि भाई शेड पे आपने ये माल रखो और उसको बेचो, आगे से कोई भी अतिक्रमण या कब्जा ना करे। इसके लिए मंडी के कर्मचारियों व अधिकारियों को स्पष्ट कह दिया है, यदि कोई निर्देश का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को पीपलियाहाना क्षेत्र के कुछ रहवासी विधायक हार्डिया के पास मदद के लिए पहुंचे। रहवासियों का कहना था कि निगम द्वारा उनके मकान तोड़ने का नोटिस दिया गया है। वहीं विधायक द्वारा मामले में रहवासियों को आश्वासन दिया गया कि उनके मकान नहीं तोड़े जाएंगे। निगम द्वारा पीपलियाहाना क्षेत्र में नर्मदा पाइपलाइन डाली जा रही है, इसी के चलते 2 मकान जो बीच में आ रहे हैं उन्हें तोड़ने के नोटिस दिए गए। उन मकानों को बचाने की गुहार लेकर कुछ लोग विधायक महेंद्र हार्डिया के पास पहुंचे और मामले की जानकारी दी। पीपलियाहाना तालाब के लिए कोई योजना है नगर निगम की है, और ये जो परिवार आए लगभग 50 साल से वहाँ निवास करते हैं, इनके पास पट्टे भी हैं। मैं कमिश्नर से बात करूँगा कि वहाँ नजूल की अन्य जगह भी पड़ी हुई है, अगर बहुत ज़रूरी है तो वहाँ लगाएं। इनको जो 50 साल से परिवार निवास कर रहे हैं इनको तोड़ा नहीं जाए। वहीं इस मामले में तुरंत विधायक हार्डिया ने निगमायुक्त से बात कर समस्या का समाधान कर दिया और लोगों को आश्वासन दिया कि अब उनका मकान नहीं तोड़ा जाएगा। वहीं विधायक से आश्वासन मिलने के बाद लोगों की जान में जान आई। इंदौर की सांस्कृतिक विरासत अनंत चतुर्दशी चल समारोह में शामिल होने वाली मिलों की गणेश उत्सव समितियों की झांकी को 2-2 लाख रुपए की राशि इंदौर विकास प्राधिकरण की ओर से प्रदान की जाएगी। झांकी निर्माण हेतु अनुदान के संबंध में छा रहे संशय के बाद उस समय दूर हो गए जब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परंपरा अनुसार निकलने वाली 5 मील की प्रत्येक झांकी के लिए 2-2 लाख रुपए की राशि देने के निर्देश प्रदान किए। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शंकर लालवानी के अनुसार राज्य शासन द्वारा अनंत चतुर्दशी चल समारोह में निकलने वाली झांकियों हेतु मिलों की गणेश उत्सव समितियों को अनुदान राशि प्रतिवर्ष इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाती है। शासन अनुमति के अभाव में उनको देना संभव नहीं हो पा रहा था, ये समस्या माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई गई। उन्होंने कहा कि परंपरागत रूप से इंदौर की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण रखा जाए, वे संबंध में शीघ्र ही आदेश प्रसारित करवा देंगे। मिलों को प्रति वर्षानुसार झांकी हेतु इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा जो अनुदान दिया जाता है वह जारी रखा जाएगा। लीवर ट्रांसप्लांट को लेकर शहर के मरीजों को नई सुविधा मिलने जा रही है। शेल्बी हॉस्पिटल में लीवर डिसीज और ट्रांसप्लांट सेंटर शुरू होने जा रहा है जो लीवर संबंधित बीमारियों से निजात दिलाएगा। शुक्रवार को लीवर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर आनंद ने बताया कि मध्य प्रदेश में लीवर ट्रांसप्लांट बहुत कम होते हैं, इसलिए मरीजों को ट्रांसप्लांट के लिए मुंबई, दिल्ली और चेन्नई जैसे शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है। हालांकि 2017 से इंदौर में कुछ सेंटर्स पर लीवर ट्रांसप्लांट हुए हैं। तो शेल्बी हॉस्पिटल के करीब 11 ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उनमें से कम 4-5 ब्रांचेज में अब प्लान है लीवर ट्रांसप्लांट शुरू करने का।
अहमदाबाद में ऑलरेडी शुरू हो गया है, बाकी सूरत, इंदौर, मोहाली, जयपुर, इधर भी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू करने का प्लान है। ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है ट्रांसप्लांट की, पर्टिकुलरली लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट की, और ये एक गैप एरिया है जिसको फिल करने की ज़रूरत है, इसलिए इन सब में लिवर ट्रांसप्लांट शुरू करने का प्लान है, डिसीज डोनर, लिविंग डोनर दोनों। शेल्बी हॉस्पिटल में एक ही छत के नीचे एक्सपर्ट डॉक्टर और सर्जन की टीम लीवर ट्रांसप्लांट करेगी। खबरों में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए दोपहर न्यूज। इंदौर कौटिल्य अकेडमी वर्ष 2003 से शिक्षा जगत का एक ऐसा विश्वसनीय नाम जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के शिक्षा पटल पर तेजी से उभर कर सामने आया है। इंदौर कौटिल्य अकेडमी ने अपनी अनूठी शिक्षा पद्धति के माध्यम से आज लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को संवारा है, जो वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाओं के माध्यम से संस्थान का गौरव बढ़ाए हुए हैं। इंदौर कौटिल्य अकेडमी के संस्थापक नरेंद्र सिंह सोमवंशी सर के मार्गदर्शन में भविष्य के कर्णधारों को बड़ी ही कोमलता से तराशा जाता है। इंदौर कौटिल्य अकेडमी, शिव विलास पैलेस राजबाड़ा एवं भंवर कुआं चौक इंदौर। इंदौर कौटिल्य अकेडमी, आपकी सफलता का प्रवेश द्वार। ग्रेटनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। 7 राज्यों में 54 शोरूम स्थापित कर इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में धूम मचाने वाली ग्रेट इंस्टेंट ट्रेडिंग कंपनी अब 8वें राज्य मध्य प्रदेश की हृदय स्थली इंदौर के 5/2 बैराठी कॉलोनी मेन रोड टावर चौराहा इंदौर और 246 ऊषा नगर एक्सटेंशन रंजीत हनुमान मंदिर रोड इंदौर पर अपने 2 शोरूम स्थापित कर चुकी है। दोनों शोरूम पर मिलेगी आपको फिलिप्स, गोदरेज, सोनी, बुश, सैमसंग, पैनासोनिक, एलजी, वोल्टास, हिताची सहित और भी कई विश्व प्रसिद्ध कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामानों की एक अभूतपूर्व विशाल श्रृंखला। ग्रेट ईस्टर्न दे रहा है अपने ग्राहकों को हर खरीदी पर एक निश्चित उपहार। यही नहीं, ग्रेट ईस्टर्न ने दिया है लोएस्ट प्राइस चैलेंज कीमतों में दुगना अंतर। बजाज कैपिटल, फर्स्ट HDB, HDFC EMI कार्ड ग्राहक को 0% फाइनेंस सुविधा। इसके साथ ही खरीदे गए माल की 50 किलोमीटर तक मुफ्त डिलीवरी। तो देर किस बात की, एक बार आप यहाँ आएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर यहाँ से ले जाएंगे। बोहरा समाज के धर्म गुरु सैयदना साहब 5 सितंबर को इंदौर आ रहे हैं, इसे लेकर बोहरा समाज के लोग जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। अपने धर्म गुरु के आगमन को लेकर बोहरा समाज में काफी हर्ष का माहौल है। बड़े लोग तो अपने हिसाब से तैयारी में जुटे ही हैं, लेकिन बच्चे भी पीछे नहीं हैं। सैयदना साहब को बैंड की सलामी देने के लिए इंदौर शहर में प्रमुख रूप से 3 बैंड पार्टियां जमकर तैयारी कर रही है। इनमें छोटे बच्चों का भी एक ग्रुप शामिल है। बैंड प्रैक्टिस हो रही है, बच्चों के 3-4 ग्रुप्स हैं, तो ये जो हमारे सैयदना पधारेंगे तो उनके लिए ये बच्चे परफॉर्म करेंगे उनके सामने। सैयदना साहब की आवाज सुनने के लिए 2.25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। सैफी नगर मस्जिद में तैयारियों का दौर चल रहा है, जहां बड़े डोम का निर्माण किया गया है। मस्जिद को पूरी तरह से बदल दिया गया है। सैयदना साहब 10 सितंबर को मसाकीन सोफिया मस्जिद सहित 3 मस्जिदों का उद्घाटन करेंगे। सैयदना साहब पहली बार अशरा मुबारक के प्रवचन के लिए आ रहे हैं। शुक्रवार को इंदौर शहर की सफाई व्यवस्था देखने चंडीगढ़ का दल इंदौर पहुंचा, जिसमें पार्षद और अपर आयुक्त भी शामिल हुए। स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 आने के बाद से अलग अलग शहरों के प्रतिनिधिमंडल सफाई व्यवस्था देखने इंदौर पहुंच रहे हैं। 2 दिन पहले ही नागपुर नगर निगम दल सफाई व्यवस्था देखने इंदौर आया था। वहीं शुक्रवार को स्वच्छता में नंबर 3 पर रहे चंडीगढ़ के दल ने अधिकारियों के साथ शहर में कई स्थानों का दौरा किया और कैसे सफाई की जाती है इस पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने डोर टू डोर कचरा संग्रहण सहित सफाई कार्यों का जायजा लिया, साथ ही कुछ लोगों से सफाई व्यवस्था के बारे में चर्चा भी की। देखिए, इंदौर के नंबर 1 आने के बाद लगातार ही पूरे देश से टीमों के आने का सिलसिला चल रहा है। अभी 3 दिन पहले नागपुर की एक 30 सदस्यीय टीम यहाँ आई थी और पूरा वो देख के गए हैं। इसके बाद अभी वर्तमान में कल चंडीगढ़ की टीम यहाँ आई है, उनको द्वारा अभी डोर टू डोर कलेक्शन से लेके किस तरह कलेक्शन किया जाता है, किस तरह सेग्रीगेशन किया जाता है और कहाँ से ट्रांसफर स्टेशन कैसे हैं, ट्रंचिंग ग्राउंड कैसा है, जो हमारे बायोमेथेनेशन प्लांट है, डिसेंट्रलाइज कंपोस्टिंग यूनिट है, वो कैसी है, सब तरह का उनको मेरे द्वारा उनको एक प्रेजेंटेशन दिया गया था। बाकी उन्होंने फील्ड में जाके पूरी व्यवस्थाएँ देखी हैं।
चंडीगढ़ से आए दल ने इंदौर की समय व्यवस्था की सराहना की। दल में पार्षद और अपर आयुक्त सहित अधिकारी भी मौजूद रहे। शुक्रवार को अनुदान प्राप्त शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देकर सातवें वेतनमान की मांग की है। जानकारी देते हुए अनुदान प्राप्त शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजराम बोरासी ने बताया कि संघ के कर्मचारियों को शासकीय सेवकों के समान सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने हेतु ज्ञापन सौंपा गया है। मैं अनुदान प्राप्त विद्यालय शिक्षक कर्मचारियों की ओर से मध्य प्रदेश शासन सातवां वेतनमान देना चाहती है, लेकिन तीन तीन बार शासन के द्वारा रिमाइंडर भेजा गया है, जिसमें 20/12/17, 23/3/18 और 16/6/18 को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन उनके द्वारा आदेशित किया गया है कि सातवें वेतनमान का बजट बना के भेजा जाए, लेकिन यहाँ के बाबुओं द्वारा आज तक सातवें वेतनमान का बजट नहीं पहुँचने के कारण हमको सातवां वेतन का लाभ मिलने की उम्मीद ख़त्म हो रही है। हम चाहते हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी और यहाँ के जो क्लर्क हैं उनके द्वारा शीघ्र से शीघ्र हमारे सातवें वेतनमान का एरियर पहुँचा दे। सराफा बाजार के मीना बाजार में बंगाली ठेकेदार अजीमुद्दीन का 20 लाख रुपए का सोना चोरी करने वाले आरोपी को सराफा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया है। आरोपी से चोरी का 20 लाख का सोना भी पुलिस ने जब्त किया है। सराफा थाना क्षेत्र स्थित सराफा बाजार में मीना बाजार नामक बिल्डिंग की चौथी मंजिल से अपना सोने चांदी की कारीगरी का काम संचालित करने वाले फरियादी अजीमुद्दीन का सोना चोरी हो गया था, जिसकी कीमत पुलिस को 20 लाख रुपए बतलाई गई थी। जब पुलिस ने चोरी की घटना को गंभीर लेते हुए सराफा बाजार सहित पूरी बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें एक युवक संदिग्ध नजर आ रहा था। जब पुलिस ने फुटेज में नजर आ रहे युवक से कड़ी पूछताछ की तो पकड़ा गया युवक पुलिस के सामने टूट गया और उसने चोरी करना स्वीकार किया। पकड़ा गया आरोपी मिथुन पिछले समय फरियादी के यहीं कारीगरी का काम करता था और कुछ महीने पहले ही आरोपी ने फरियादी के यहाँ से नौकरी छोड़ दी थी। 29 तारीख की सुबह 29 तारीख की रात्रि में अजीमुद्दीन है, बंगाल रहने वाले हैं, ये सराफा में इनका ये सोने चांदी की जेवर बनाने का काम करते हैं। इन्होंने व्यापारियों से कुछ सोना लिया जेवर बनाने के लिए और 30 तारीख की सुबह इन्होंने रिपोर्ट करना था, हमारे दुकान का जो है शटर के कटे हुए हैं और लगभग 600 ग्राम हमारा सोना जो है वो नहीं है। मौके पर जाँच की गई तो टीआई साहब गए, सब लोग तफ्तीश किए, तफ्तीश पे जो है सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए गए। सस्पेक्ट निकल के आया सनवर नाम का आया, जो मिथुन उर्फ सरवर ये बंगाल रहने वाला है और फरियादी का दूर का रिश्तेदार है। ये लगभग 12-13 साल उसके यहाँ काम किया फरियादी के, और 6 महीने से काम छोड़ दिया था। इसको को आवश्यकता थी कि ये जो है रात्रि में शटर बंद होने के चलने के लगने के पहले जो है वो चला गया ऊपर ऊपर आ, जैसे ही चौकीदार ने चला उड़ करके सो गया, फिर ऊपर सीढ़ी से नीचे आ रहा और उसके यहाँ जो पिंचिस पैंच का सोता जिससे वो सोना वगैरह काटते हैं उससे उन्हें शटर के लाभ तोड़े और ट्रेस है पूरा जो आग बने जेवर होते हैं वो पूरे लेके जो है बाहर रस्सी से उतर के चला गया। आरोपी मिथुन ने सोना चोरी कर छुपा दिया था और बंगाल भागने की फिराक में था, लेकिन आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था, जिसके चलते पुलिस को जल्द ही आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है। और अब खबरें प्रदेश के अन्य शहरों से। नगरी ओमकारेश्वर में मंत्री बालकृष्ण पाटीदार का आगमन हुआ, जहां उन्होंने किसानों के हित में किए जा रहे सरकार के कई कामों का गुणगान किया। मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए हर दिशा में कार्य कर रही है। सरकार ने किसानों को ऋण माफी के लिए ऋण समाधान योजना के प्रावधान के तहत किसानों को लाभ पहुंचाने, मूल्य उत्पादन के अनुसार किसानों को हर संभव मदद करने के लिए शिवराज सरकार लगी है। प्रदेश सरकार अनेक कल्याणकारी योजना में लाभ पहुंचा रही है। ओंकार महाराज जी से यही प्रार्थना की कि वर्षा अच्छी हो, उत्पादन अच्छा मिले, किसान समृद्ध हो, सारी जनता खुशहाल रहे और बाबा की कृपा से इस बार वर्षा भी अच्छी हो रही है, फसलें भी अच्छी है और विश्वास ऐसा कि उत्पादन भी अच्छे मिले। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए हम लाए हैं, मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई है किसान समृद्धि योजना, और किसान समृद्धि योजना में ये भावांतर योजना भी उसी में है, ऋण राहत योजना ब्याज में जो राहत दी जा रही है समाधान योजना वो भी उसी में है, इसके अलावा जो जो भी और लगेगा किसानों को समृद्ध बनाने के लिए वो सारे प्रावधान उस किसान समृद्धि योजना में।
प्रदेश के कृषि मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर पहुंचकर ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन लाभ लिए। दौरे के दौरान ओमकारेश्वर में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष लीलाधर खंडेलवाल सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत किया। खंडवा जिले के अंतर्गत आने वाले शासकीय माध्यमिक शाला बोरगांव खुर्द में एसपी रुचिवर्धन मिश्र ने बच्चों के साथ काफी समय बिताया और उन्हें कई प्रेरणादायक बातें समझाई। एसपी रुचिवर्धन ने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया और विवाह कब करना चाहिए, कौन सी उम्र शादी के लिए है, उस पर भी जोर दिया। आज मध्य प्रदेश शासन का जो स्कूल शिक्षा विभाग का इनिशिएटिव है मिल बाचे मध्य प्रदेश, उसके तहत मैं मुझे आज बोरगांव खुर्द आने का अवसर मिला है और मुझमें यहाँ माध्यमिक शाला के बच्चों से मिलकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुख्यतः बच्चों ने सबसे पहले प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की और उसके बाद हमने उन्हें एकाग्रता और ध्यान के महत्व के बारे में बताया, उन्हें रिलैक्सेशन कराया, साथ ही बच्चों से पढ़ाई का महत्व और उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या जो पढ़ाई के बारे में जो वो जानते और मानते हैं उसको कर्म में कैसे उतारना चाहिए, इसको लेकर के प्रकाश डाला। इस माध्यमिक शाला की विशेषता यह है कि यहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ सुबह 5 बजे से कुश्ती खेलने आ जाती है और उसके बाद स्कूल भी प्रतिदिन लड़कों से ज्यादा लड़कियाँ ही आती है। उनका उत्साह वर्धन किया गया, एसपी ने उनको आत्मविश्वास और दुनिया से किस तरह लड़कर आगे बढ़ना चाहिए आदि सहित अनेक महत्वपूर्ण बातें समझाई। दोपहर न्यूज के लिए खंडवा से अंकित मार्कंडेय की रिपोर्ट। सोशल साइट पर दिल्ली की मॉडल की फर्जी आईडी बनाकर मशहूर फिल्म अभिनेत्री के अश्लील फोटो अपलोड कर 5 साल से ब्लैकमेल करने वाले बिहार के एक युवक को खंडवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मॉडल ने अपने पति के साथ मिलकर खुद इस युवक को ट्रेस किया। जब इसकी लोकेशन खंडवा मिली तो खंडवा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसे ढूंढ निकाला। महिला ने खुद को दिल्ली में अशोकनगर का निवासी होकर एक मॉडल बताया। उसने कहा कि वह पिछले 5 साल से मॉडलिंग कर रही है। जिस क्षेत्र में रहती है वहीं पड़ोस में एक बिहार का युवक शाकिर खान भी रहता है। रिश्तेदारों की यहां से आने जाने से पहचान हो गई। पहले तो शाकिर ने मोबाइल नंबर लिया और फिर परेशान करने लगा। जब उसका नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया तो उसने सोशल साइट पर फिल्म अभिनेत्री सनी लियोनी के अश्लील फोटो के साथ फर्जी आईडी बनाई और इस मॉडल का मोबाइल नंबर डाल दिया। इस दौरान उसे ब्लैकमेल कर युवक ने 2 लाख रुपए भी लिए और शादी के लिए दबाव बनाने लगा। मॉडल ने आरोप लगाया कि शाकिर खान ने उसे ब्लैकमेल किया तथा उससे शारीरिक संबंध भी बनाने की धमकी दी। मॉडल ने उसे पुलिस के हत्थे चढ़ाने के लिए कॉल करके कर्नाटक एक्सप्रेस से बुलाया। बाद में उसे ट्रेन में ही पुलिस से ट्रेस करवाने की सोची। खंडवा आकर युवक स्टेशन पर उतर गया था। स्टेशन पर आने के बाद मॉडल ने खंडवा के कंट्रोल रूम को सूचना दी। यहाँ पर पुलिस ने उससे फोटो लिया और सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खंडवा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उधर आरोपी द्वारा मॉडल के लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। उसका कहना है कि इस मॉडल के साथ उसकी शादी हो चुकी है लेकिन वह किसी अन्य युवक के साथ भी रहती है। मैं उसे बार बार अपने साथ रहने के लिए कहता हूं लेकिन वह मुझे झूठे केस में फंसा कर जेल भेजना चाहती है। न्यू अशोक नगर दिल्ली थाने से एक सुमित सिंह करके अपनी वाइफ के साथ आए थे। उनका ये कहना था कि हम दिल्ली में रहते हैं और एक व्यक्ति है साकिर हुसैन, वो मेरी पत्नी के फर्जी फेसबुक आईडी उसमें लगा रखी है और उसके ऊपर गलत गलत कमेंट करता है। इसकी हमने दिल्ली न्यू अशोकनगर थाने में कंप्लेंट दर्ज की थी वो, लेकिन चूंकि वहाँ से वो पकड़ नहीं पाया था, आज उसको हमने बुलाया था तो खंडवा में उतरने वाला है। इस आधार पर कोतवाली पुलिस की मदद से उसको पकड़ के लाए थे, दिल्ली न्यू अशोकनगर थाने को सूचना दी उसके संबंध में कार्रवाई करने के लिए। आरोपी कहाँ रहने वाला है? और आरोपी दिल्ली में जो महिला है उसी के घर के पास में ही रहता था, मूलतः रहने वाला बिहार का है। कह रहा है मीठी इस मॉडल से शादी हो गई थी। खंडवा जिले के ग्राम बोरगांव खुर्द में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। आयोजन के पहले शुक्रवार को एक शोभा यात्रा निकाली गई। खंडवा जिले की सबसे छोटी उम्र की कथावाचिका पूज्या सुश्री भावना मार्कंडेय दीदी महज 20 साल की उम्र में अपनी ओजस्मयी वाणी से भागवत कथा का वाचन और वैदिक सनातन धर्म का प्रचार पूरे देश और विदेश में करने के लिए निकली है। अपनी कथा के माध्यम से युवाओं को जागरूक करने के लिए निःशुल्क कथा कर रही है। कथा आरम्भ होने के पहले एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
कथा 31 अगस्त से 6 सितंबर तक प्रतिदिन दोपहर 12 से 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। रोहतास जिले के कन्नौद बस स्टैंड पर शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने की एक बड़ी कार्रवाई को प्रशासनिक अमले ने अंजाम दिया। अतिक्रमण एसडीएम के निर्देश पर नगर में स्थित बस स्टैंड पर हटाया गया। उक्त अतिक्रमण पुलिस व नगर पंचायत अधिकारियों की निगरानी में हटाया गया। निर्देशन में हटाया जा रहा है, उनका आदेश प्राप्त हुआ। काफी दिन से ये अतिक्रमण करके ये लोग ने दुकानें लगा रखी थी, इसलिए बस स्टैंड पे काफी ट्रैफिक में परेशानी आ रही थी, इसलिए अर्जुन साहब और एसडीओ के साथ के निर्देश को तत्काल अतिक्रमण को हटा दिया गया। अतिक्रमण हटाने के पहले एक माह पूर्व नोटिस दे दिए गए थे। दोपहर न्यूज के लिए कन्नौज जिला देवास से राजेश चौहान की रिपोर्ट। देवास जिले के अंतर्गत आने वाले सतवास क्षेत्र में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई। ये घटना बिजवाड़ चौराहे पर हुई है। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे 59A पर पड़ने वाले बिजवाड़ चौराहे पर शुक्रवार के दिन 11:30 बजे के लगभग नेमावर साइड से रेत भरकर आ रहे डंपर MP09HH1330 ने एक मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मार दी। डंपर की टक्कर लगते ही मोटरसाइकिल चालक गिर गया व डंपर के अगले टायर में आ गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बिजवाड़ पुलिस चौकी के सैनिक नजर खान ने मृत व्यक्ति कौन है उसकी जानकारी जुटाने के लिए मृत व्यक्ति की जेब की तलाशी ली तो एक आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड के अनुसार इस व्यक्ति का नाम केदार पिता रतनलाल निवासी थुरिया है। डंपर चालक को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और डंपर को भी जब्त कर कांटाफोड़ थाने भेज दिया है। वहीं शव को बिजवाड़ 100 डायल से कन्नौद हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। दोपहर न्यूज के लिए सतवास तहसील से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। देवास जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम हीरापुर खेड़ा में हुई नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना के खिलाफ विद्यार्थियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की है। ग्राम हीरापुर खेड़ा में एक नाबालिग छात्रा के साथ आरोपी बलराम पिता जयसिंह कर्मा ने दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म के बाद नाबालिग की आंखें भी फोड़ दी ताकि वह उसे पहचान न सके। इस लोमहर्षक घटना के खिलाफ विद्यार्थी समुदाय ने बड़ी संख्या में शामिल होकर रैली निकाली और जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में अपराधी को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए दोपहर न्यूज। नमस्कार। इंदौर कौटिल्य अकादमी वर्ष 2003 से शिक्षा जगत का एक ऐसा विश्वसनीय नाम जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के शिक्षा पटल पर तेजी से उभर कर सामने आया है। इंदौर कौटिल्य अकादमी ने अपनी अनूठी शिक्षा पद्धति के माध्यम से आज लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को संवारा है, जो वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाओं के माध्यम से संस्थान का गौरव बढ़ाए हुए हैं। इंदौर कौटिल्य अकादमी के संस्थापक नरेंद्र सिंह सोमवंशी सर के मार्गदर्शन में भविष्य के कर्णधारों को बड़ी ही कोमलता से तराशा जाता है। इंदौर कौटिल्य अकादमी शिव विलास पैलेस राजबाड़ा एवं भंवर कुआं चौक इंदौर। इंदौर कौटिल्य अकादमी आपकी सफलता का प्रवेश द्वार। ग्रेटनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। 7 राज्यों में 54 शोरूम स्थापित कर इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में धूम मचाने वाली ग्रेट इंस्टेंट ट्रेडिंग कंपनी अब 8वें राज्य मध्य प्रदेश की हृदय स्थली इंदौर के 5/2 बैराठी कॉलोनी मेन रोड टावर चौराहा इंदौर और 246 उषा नगर एक्सटेंशन रंजीत हनुमान मंदिर रोड इंदौर पर अपने 2 शोरूम स्थापित कर चुकी है। दोनों शोरूम पर मिलेगी आपको फिलिप्स, गोदरेज, सोनी, बुश, सैमसंग, पैनासोनिक, LG, वोल्टास, हिताची सहित और भी कई विश्व प्रसिद्ध कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामानों की एक अभूतपूर्व विशाल श्रृंखला। ग्रेट ईस्टर्न दे रहा है अपने ग्राहकों को हर खरीदी पर एक निश्चित उपहार। यही नहीं, ग्रेट ईस्टर्न ने दिया है लोएस्ट प्राइस चैलेंज कीमतों में दुगना अंतर। बजाज कैपिटल, फर्स्ट HDB, HDFC EMI कार्ड ग्राहक को 0% फाइनेंस सुविधा। इसके साथ ही खरीदे गए माल की 50 किलोमीटर तक मुफ्त डिलीवरी। तो देर किस बात की, एक बार आप यहाँ आएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर यहाँ से ले जाएंगे।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसारित दोपहर न्यूज चैनल में सामाजिक राजनीतिक व्यवसायिक खरीदना बेचना शुभकामना संदेश जन्मदिन बधाई धार्मिक आयोजन सहित अन्य विज्ञापनों के लिए तुरंत संपर्क करें। संपर्क करें राजेश पिपलोदिया 888-9300073, शेखर राठौर 888-9281900। बच्चे हुआ मुश्किल से पाले मैंने, मेहनत मजूरी करके, और बिजली का बिल कहाँ से भर पाती हूँ। फिर सरकार ने मुझे लाभ दे दिया, उसमें से 40,000 माफ हो गई है, 200 रुपया मेहनत करके पटा रहा हूँ, उन्हें धन्यवाद दूँ सरकार है बिजली का। तो मेरे भाइयों और बहनों, एक चीज कर दी है कि हर महीने 200 रुपया दे जाओ और बिजली ले जाओ, फ्लैट रेट 200 रुपया फिक्स। 1800-121-8030 पर मिस्ड कॉल लगाएं और अपने अधिकारों की पूरी जानकारी पाएं। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। पांच बच्चे हैं, दोनों मियां बीवी, हम 7 सदस्य हैं। हमारा ये कच्चा मकान है, मेहनत मजदूरी करते हैं और अपना पेट भरते हैं। मजदूरी में बिल भी चढ़ा है, फिर भी इतना रहे तो वो चढ़ ही नहीं पा रही था हमसे, और इतना बिल हो गया था 1,35,039 रुपये, जो कि हमारा सरकार ने माफ किया। अब चढ़ गया तो हमको आसानी हो गई, बोझ हट गया हमारे सर का। 24 घंटे की लाइट में बच्चे भी पढ़ लेते, हम भी खाना माना बना लेते काम से आके। तो हम 200 रुपये चढ़ा देंगे मेहनत मजदूरी करके, तो बच्चे भी पढ़ेंगे, बीवी भी सुकून से खाना बनाएंगी। हमको बहुत खुशी है, सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने हमारा बिल माफ किया था। तो मेरे भाइयों और बहनों, एक चीज कर दी है कि हर महीने 200 रुपया दे जाओ और बिजली ले जाओ, फ्लैट रेट 200 रुपया फिक्स। 1800-121-8030 पर मिस्ड कॉल लगाएं और अपने अधिकारों की पूरी जानकारी पाएं। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। 25 अगस्त 2018 प्रदेश के सभी 378 नगरी निकायों में एक साथ आयोजित हुए शहरी हितग्राहियों के सम्मेलन। इन सम्मेलनों में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल में 5,00,000 से अधिक हितग्राहियों और उनके आश्रितों को योजना से विभिन्न श्रेणियों में पात्रता अनुसार मिलने वाले लाभ प्रदान किए गए और 2,22,733 हितग्राहियों को 500 करोड़ से अधिक ऋण राशि का वितरण किया गया। इस अवसर पर लाल परेड ग्राउंड भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं उपस्थित होकर हितग्राहियों को लाभान्वित करते हुए जनता को संबोधित किया। केवल भोपाल में नहीं, 378 शहरों में जो मेरे भाई बहन आए हैं इस कार्यक्रम में, उन सबका स्वागत है। आज का कार्यक्रम एक अलग तरह का कार्यक्रम है। देखिए, मेरी जिंदगी का विजन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य उद्देश्य है लोगों की जिंदगी बदलना। ये मेरी जिंदगी का मकसद है और इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में एक तरफ विकास की दृष्टि से हम देखें तो मध्य प्रदेश की विकास दर 10% से ऊपर है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब मुझे तो गरीबी हटाना है, गरीबी नहीं रहने देना है, और इसलिए हमने तय किया कि जो गरीब भाई बहन हैं, जो पीछे और नीचे रह गए हैं, उनको ऐसी सुविधा दे दें जिससे उनके जीवन की जरूरतें पूरी हो जाए, जीवन की जरूरतें पूरी हो जाए। और इसलिए अगर गरीब को सस्ता भोजन मिल जाए, मकान मिल जाए, बच्चों की पढ़ाई हो जाए, इलाज की व्यवस्था हो जाए, बिजली सस्ती मिल जाए, दुर्घटना में पैसा मिल जाए, इलाज का पैसा मिल जाए, मौत मैयत में पैसा मिल जाए, ये सारी जरूरत अगर पूरी हो जाए तो गरीबी नहीं बचेगी, ये मेरा सोचना है। और इसलिए मैंने योजना बनाई, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल योजना। मेरे साथ भारत माता की जय बोल के संकल्प लें कि हम गरीबी से लड़के गरीबी मुक्त मध्य प्रदेश बनाने में शिवराज का साथ देंगे। भारत माता की। पूरा किया विकास का वादा, आगे है अटल इरादा। 31 अगस्त 2018
सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में आयोजित होंगे मिल बांचे कार्यक्रम और तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं उपस्थित होकर मिल बांचे कार्यक्रम में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे तथा तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभान्वित करते हुए जनता से संवाद करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सभी प्रादेशिक टीवी चैनल्स और दूरदर्शन मध्य प्रदेश सहित सोशल मीडिया पर होगा। आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।